मैं आप लोग को पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6 पढ़ाया था, आज मैं आप लोग को 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफाई पढ़ाऊंगा। सिंप्लीफाई में सबसे पहले ऑडमास के तहत कुछ क्वेश्चन है, आज मैं ऑडमास और नेक्स्ट क्लास में फिर बोर्ड मास पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1322 इंटू 3773 डिवाइडेड 343। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑड मास के तहत पहले ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, लास्ट में सबट्रैक्शन का मतलब क्या जाता है, सबट्रैक्शन का क्या कहता है। तो इसमें देखेंगे आपको दो साइन दिया हुआ है, साइन आपको फर्स्ट में डिवाइड और सेकेंड में आपको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड, तो इसको ड्रॉप में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ड्रॉप में 3773 में डिवाइड करेंगे 343 से, 343 3773 कितने बार लगाएंगे, 1 times 3 4 3 4 3, अब कितने बार, फिर 1 time लगाएंगे 343 कितने हैं। अब इसको हम यहां लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे 3 2 2 2, इसमें मैंने डिवाइड किया तो हमारा डिवाइड करने के बाद हमारा 11 इसका रिजल्ट आया, इसको लिखेंगे 11। अब हमको क्या करना है, अब इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इरेज कर दो, जगह का मैं इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, आप भी रॉप में बनाकर दिखाएंगे हमें, ताकि सामने जो भी रॉप करेंगे लेफ्ट साइड में इसको खींचने के लाइन में शुरू करते हैं। अब देखिए 322 मल्टीप्लाई 11 2 2 3, इधर से इधर छोड़ेंगे 2 2 3 2 4 5 3, अब इस बात की यहाँ पर 3 5 4 2, इस प्रकार से हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से है। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर है अलग है थोड़े से, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर है 220 प्लस 24 ऑफ 60 माइनस 1089 डिवाइडेड 99। अब देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑड मास में यहां देख रहे हैं ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद यहां डिवाइड है, इसके बाद यहां मल्टीप्लाई नहीं,
मल्टीप्लाई के बाद आपको ऐड है, सबसे पहले हम ऑफ का क्रिया करेंगे तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ 24 × 60। 24 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपके पास नहीं है तो ऑफ में स्टार्ट से लाइन कीजिए और इसको आप 24 × 60 0 0 6 4 24 10 6 2 2 12 और कैलकुलेट करेंगे तो 14 0 4 4 1। अब मैं इसको दिखेंगे इस प्रकार से 2 2 0 प्लस, इसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 1440। इसके बाद आप यहाँ पर, यहाँ पर है माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए। इसके बाद है आपको 1089 डिवाइडेड 99। अब इसे निकाल रहे हैं, इसके बाद क्या करना है कि हमको इसका क्रिया करना है कि 1089 में डिवाइड करेंगे 99 से, आपको भी इसी प्रकार से देखिए कितने बार आएगा, तो 1 × 99 तो 1 × लगाइए 18 − 9 9, ऊपर से 1 तो फिर अभी 90 है, अभी 99 है, तो आप 1 × 3 लगाइए 1 × कट गया। अब यहाँ मेरा हो गया 220 + 1440 माइनस, इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारा 11 आ गया 11। अब क्या करना है कि ये दोनों को ऐड कीजिए और लास्ट में आपको 11 को माइनस कर देना है। अब इसको मैं जरा आपको मिटाते आ रहा हूँ, जगह कम है इसलिए आप देखेंगे कि 1440 + 220 दोनों को आप ऐड कीजिए 0661। इसके बाद आपका इसमें से अब नेक्स्ट स्टेप हमारा गया 1660 माइनस 11। इसको इसमें से क्या करेंगे कि माइनस 11 माइनस करेंगे तो 9 हाई माइनस 1 तो 4 6 1। अब आप यहां लिख दीजिए कि 1649 क्या हमारा आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से देख लीजिए और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आपको बना कर लेना है, फिर इन नेक्स्ट क्लास में आपको देखूंगा कि आपने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और जिस प्रकार से मैं आप सामने में बनाऊ आप भी सामने में लॉक करेंगे वाले करेंगे लॉक, ताकि मैं देखूंगा कि आपने लॉक कैसे किया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है हाइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है 3960 डिवाइडेड 264 + हाइट 1742 डिवाइडेड 522 मल्टीप्लाई 30। अब देखिए इसमें आपको दो साइन है जो डिवाइड का है और एक है जो प्लस का है, तो अब सबसे पहले हमें डिवाइड का काम करेंगे, तो आप रफ में कहीं भी थोड़ा जगह लीजिए
में पहले सबसे पहले आप कीजिए क्या है आपको a 254 से हमको डिवाइड करना है कितना ने 3960 या लिखिए 3960 कितने टाइम्स लगेगा जी 1 times 2 6 4 2 3 1 0 अब ये कितने का 5 टाइम्स होगा इसको तो 5 टाइम्स लगाएंगे तो 4 5 20 कैरी 2 और 6 5 30 और 2 32 कैरी 3 और 5 10 और 3 कैरी है अभी आपको 15 टाइम्स अब मैं यहाँ लिख दूंगा 15 प्लस अब इसको भी मिलाता हूँ अगर अब देखिए अब 5042 को मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे 522 से तो इसमें देखिए 522 इसमें लिखेंगे 5742 अब कितने टाइम्स इसको 1 टाइम्स लगाइए 522 4 minus 2 2 7 minus 2 5 5 minus 5 0 या कट ऊपर से 1 8 8 लिखेंगे अब कितने बार तो 1 times 5 2 2 कट गए अब यहाँ लिख लीजिए आप 11 इसके बाद आता है मल्टीप्लाई 30 अब देखिए यहाँ प्लस है या मल्टीप्लाई है इसमें सबसे पहले अब डिवाइड के बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस कर दीजिए प्लेस करने के बाद आप 30 मल्टीप्लाई 11 0 3 0 3 0 3 3 अब आप लिख दीजिए 15 प्लस 330 अब इसको ऐड कर दीजिए तो 345 ये हमारा आंसर रहा अब क्वेश्चन नंबर एक और है जिसे मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आप इसे ध्यान से देखेंगे और पढ़ाएंगे भी और आप इस सबको सारे स्टूडेंट के पास से मैथ का फेयर कॉपी होनी चाहिए जब भी आप आएंगे मैं आपका कॉपी चेक भी करूंगा या मैं जब आपसे मिलूंगा उस समय मैं चेक करूंगा आपका कॉपी कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है क्वेश्चन नंबर 3125 डिवाइडेड 125 माइनस 2055 डिवाइडेड 411 माइनस 20 क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा अब इसमें करना क्या है इसे भी आपको दो साइन माइनस का है और दो साइन आपका डिवाइड का है तो सबसे पहले इसके साथ ये डिवाइड होगा और इसके साथ यह डिवाइड होगा तो पहले से लिखिए रॉक में आप पहले रॉक बना लीजिए कहीं भी और रॉक के लिए थोड़ा सा सिंगल लाइन और इसमें आप 125 को डिवाइड करेंगे 3125 कितने टाइम्स इसको लगाते हैं हमें टू टाइम्स लगाएंगे तब 250 2 6 अरे 3 minus 2 minus 2 = 0 अब ऊपर से 5 कितने बार अब इसको 5 टाइम्स लगाइए तब
5025 carry to 5 to 10 and then to 12 of 5 1 5 5 carry 1 6. आप इसको लिखिए 25 पे हम लिखेंगे बराबर का साइन लेंगे पे इक्वल का साइन डालेंगे इसको लिखिए 25. इसके बाद इसे इरेज करेंगे. इरेज करने के बाद आप देखिए अब 2055 में को 411 से हमको डिवाइड करना है. यहां देखिए 411 यहां लिखिए आप 2055 कितने टाइम लगाएंगे जी हम यहां लगाएंगे 5 टाइम्स तो 5 और 4 5 20 ये मेरा 5 टाइम्स में कटे टोटल. अब यहां लिखिए आप यहां माइनस का साइन है इसलिए मैं भी माइनस का साइन डालूंगा. उसके बाद यहां लिखिए 5 - 20. अब करना है क्या है कि अगर सेम साइन है तो सेम साइन वाले के साथ एक साथ ऐड करते हैं तो 25 - 20 - 5 = -25 25 - 25 = 0. ये आपका आंसर रहा. तब तक के लिए मैं इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. थैंक यू.